पक्ष पक्षे पैसे आलम मजहरे दूरे खुदा नाक सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा मेरे परवरदिगार तेरे अगे मेरी इल्तिजाए जो तूने काली कंबली वाले का दरबार लगे ते वलिया दे हुजूम सब तो पहली हाजरी ताता गंज बख्श सरकार दी कबूल फरमाई कबूल फरमाई कबूल फरमाई। तो ये इधरा आ गया जी माँ वीर हाली साहब नहीं आए एक तो मैं इस मुंडे को बड़ी तंग आ गई पता नहीं इन्नी बारिश कितने चला गया तू शायद भूल गई है माँ आज जुमे रात थे ऐ बारिश थी बड़े तो वड्डा तूफान भी मेरे लाले नु दाता साहब हाजी तो नहीं रोक सकता ओ बिल्कुल ठीक आके ही बानो पर एक गल मेरी याद रखी जिस जुमेरात तो साड़ी इन्होंने आखा ने दाता सरकार भी दाले ना ना चुमी असी आखा ही कट देंगे जिंदा रहो पुत्र वे यह तो दस कटरी का किराया ले आए कि नहीं क्यों नहीं मां पहला काम ही किया पूरा 4,500 रुपया ही 4,500 ओए आहो मां दाता सरकार ने लंगर ची तो 500 रुपए पाने सन उन्होंने दुआवन वाली दस बड़ी पैन नू तो उन्हें लद के तोड़ना है जिन्ना अखा तलवार नाल भी तिखिया हुसन टोके तो भी तेज ते हाथी च सूआ फड़न दी की लोड़ सी कद ऊंठा मर गए अखा बगैर सी ते नशे नाल परमाया चुस्से मुर्दार संडिया वांगू हाथी च पैन दी पा फड़न दी की लोड़ सी ओए लगदा मुकद्दरा दा सूरज साडे ते खास मेहरबान हो गया सजी सजाई के नाल नाल और जिस बलैती बोतल का भी इको साच कुट परांगे ते बलैती तो तोड़े नसीबा च नहीं पर आज मैं सानू कुत्ते मार क्या क्या से मारा जी बस बेगैर सीधी हद भी करी थी बेगैर तो बाबा जमदिया ते गैरतमंद ने पर समझ नहीं आंदी ताडे वर्गे पुत्र जवान होके बेगैरत क्यों हो जाते ने बेगैरत क्यों हो जाते ने मिया जी वो तुसी नेकी दे फरिश्ते ये बदमाश लोग ने तुसी ने मिल क्यों लगे पे हो अरे शहर क्या हो जाए चौके कितने हो जाए बदमाशा तो राज नहीं मजलूम से बड़ा वड्डा जुल्म हुंदा तूने मुश्किल कुशा है करार दा फरमान है पुत्र फरमान है आलम दे सिर नू जहाज समझ के ला देना साडे पाक नबी दा ऐलान है मुसलमान दी इज्जत ते गैरत लई जान कुर्बान कर देना ए साडा कुरान है जा जा पुत्र
इना मजलूमा दे हाथ इना बेगैरतों के हाथ में फड़ाके पे तो चला जा पुत्र रज दे बाद काता गरीब नवाज का दीदार करन कभी न जाए ऐस नहीं के वो बेगैरतों की हाजरी नहीं लांदे नहीं लांदे पुत्र ਬਰਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਦਾਰੋ ਹਯਾਤੀਆਂ ਮਾਨੇ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗਰਤਮੰਦ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਬਰਾ ਦਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰੇਗਾ ਬਲੋਰੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰਾਂਗਾ Thank you.
बड़े चिरा बाद बाजार गई थे, फिर खाली हाथ क्या हो गई? मेरी भी कुछ समझ इतनी आया तुम्हें। आज बाजार बेचे किसी भी दुकानदार ने मेरे को किसी भी सौदे के पैसे नहीं लेते। जो मैं खाली हाथ ना आंदी तो होर की कर दी। हाँ समझ गई, ऐसा मेरे वीर की शराफत नेकी ते लोगों ने हमदर्दी का नतीजा है। ऐसे नहीं ऐ बाजार से की पूरा शहर मेरे वीर न सलामा कर दे। सलामा क्या लोग ने मैंने भी बढ़िया कीतिया ने पर जरा साड़ी मां नु सलाम ना करे असी ओदा टिकट ना कटा दईए। पर पुत्र दुकानदारा ने मेरे को पैसे मेरा मतलब है मतलब तीर वांगू सीधा ते साफ है मासी। जदू तो तेरे पुत्र ने मल्ले दी मस्जिद विच चुम्मे दा खुतबा देना शुरू किया है और तो दा सारे बदमाशा ने अपना हसला रावी च सुट दिता है। अच्छा रब राखा अजे होर पासे भी बर्फ देनी है। हाँ देखे नी मेरे वीर दे कारनामे मां, एने की रेव बीच ने जिदे दरख्त सारी हयाती सानू फल देंगे। क्यों नहीं हुन तो फ्रूटां दीआं पेटियां आ रहीआं ने, कई दब्बा पीरां दीआं छुट्टियां करा दित्तीआं ने, लम्मीआं ही नजर न्याजा आ रहीआं ने। भलवान मेरी लिप्टी नहीं कराउंदे। ओए तू हर वेले बकवास ना करिया कर, जा डेरे ते जा। कई गरीब लोग बेचारे दरखास्तां लैके आए हुण। मैं क्या पहलवान जी डेरे पे एक खुसरियां दा गुरू रोजाना दरखास्त लैके आउंदा है, कहिंदा दो दिन ही भलवान नूं मेरे नाल तोड़ दे। हाथ धो के बनो हुण तू ही मां नूं कुछ समझा। हर चीज दुनिया की जो कारी आ जाती है इनू बाजार जाने की लोड़ है। पुत्र ऐस मां ने आन वाली कल तेरी ऐस भैन नूं कारी चो विद्या भी करना है। ओ मां जिस भैन का वीर मेरे वर्गा होवे ओदी मां नूं अपनी पैर जमीन ते रख के मैले नहीं करने चाहिए। तू मेरी भैन के विआह की तरीक से पक्की कर, अख चपकन कुछ देर लगती होगी, उस तो पहले ही मैं अपनी भैन का दाज ले आवांगा। ओए चाचा चुरलू जब इबरे पहलवान ने अख च अख पाई ते कमेटियां खान वाले नुकरे बदमाशी बदमाशी त्रेली बन के मेरे पैर चा डिगनी। मेरे पैर च नहीं भलवान के पैर चे 20 लाख की रकम मेरे हाथ आनी है। हाथ धो के पर वो तो बड़ा सियासी पहलवान है। चाचा साडा पहलवान कोई बासी पहलवान नहीं, असल उन्हें नवा नवा मार्केट सुटिया। नांगे दे बचो ये दसो 20 लाख की रकम तो साड़ी किन्नी बद पत्ती होनी है। हाथ धो के असि आल जो डिगे बोर्ड नहीं रकम दस देन नु तैयार हो। जिसे दा नाप दसता है ते नवा नवा बदमाश बनया। मैं बदमाश कह के गल कट इसलिए कि जिसे ना दे नाल बद लग जाए और जे तो बड़ा बदबख्त बदती हर कौन हो सकता है। और इतने ते सारे बद ही रहते ने ते मैं हर बद नू मारन दी सौखा बैठा वा। जे तू जवानी च मरण की सौ खा ही ली है तो फिर रब के घर च देर है अनेर नहीं। ए दस इथे की लैना है? बोली थी कमेटी का 20 लाख रुपया वसूल करने लिए आया वहां जरा तू शहर के व्यापारियों अपनी बदमाशी का टुक्का मार के आजम करना चाहना है। ओए मैं मौत के 3 व्यापारियों का प्यू हाँ। सौ जेल एक इश्तहारी और जरा रोज मेरे किसी नवे दुश्मन की मौत का इश्तहार बन के अखबार छपता है तो फिर कल के अखबार च सुर्खी छप जाएगी कि शहर के महाबदमाश के मुंह से एक शरीफ ने शराफत की चपेट मार के उसकी बदमाशी जग वांगू पा दिता है। चंड का वजन तेरी हयाती नहीं चुक सकेगी, नहीं चुक सकेगी। और टोपी
अगे बच्चे सेफी चो पूरा 20 लाख रुपया कट लिया है। एक गोली में तेरे सीने सी मार सकता था। ओए बदमाशा, तेरे मुंह से चपेट मार के पंच दरिया में नक्शा सिर्फ फैसली पाया कि तू अपने पुत्र समेत सारे बदमाशन में बुखा सके कि कोई बदमाशी शरीर में बहुत ताकतवर नहीं होगा। कानून की वर्दी चाहे किसी मुर्दार में भी पा दो शहर बन जाता है। वह सानू जेल की चार दीवारी वेख के साडे सिरा ते डंडे वसार वाले हो। वह एक बारी वर्दी से ला के आओ फिर तुहानू मैं दसा कि मैं किन्ने कु पानी चा। शेर की खल दी भी बड़ी होवे ते ओनू पिंड ते पा के कोई शेर नहीं बन जांदा। मैं वर्दी सिर्फ फैसले लाइए ये तुहानू दस सका कि पिंड फर्ज का लहू होवे ते कानून का मुहाफिज बगैर वर्दी दे भी तुहाडे वर्गे बगैरता की खल ला सकता है। ताकत का वजन मैं तुहानू अपनी वर्दी ला के विखा दिता है। मैं चाहता तो तुहाडियां बोटियां बोटियां भी कर सकता था पर मैं नहीं चाहता कि कानून के पाक चेहरे से तुहाडे नापा खून दियां छिटां पैन। इन्हां नूं इन्ने पैस मारो इन्हां ते जिस्म तहस जेल का नक्शा बन जाए। साडे वजूद ते गोलियां वज के तिलक जा ने अरे बांस से बड़े हैं पैसे साड़ी सेवा की कर रही है। तेन किन्नी बारी क्या है पुत्र कैदियां से इनिया सख्तियां ना करया कर। पर और क्यों मां? मां नू डर लगता है कि किधरे कोई कैदी जेलो मफरूर हो के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही गल है। फिर मैनू वर्दी पवान का सुपना क्यों देखा सी मां? ए तेरे प्यो की ख्वाहिश थी पुत्र। प्यो की ख्वाहिश ए भी ते नहीं सी मां कि ओदा जेलर पुत्र किसी कैदी की दहशत देख के ओदे पैरी पै जाए। तू भी अपने प्यो वांगू जिद्दी है। तू कोई गल सुननी हुंदी है ते चंगा हुण आराम कर ले। ए ना होवे जेलो कोई फोन आवे तो तू फिर तुर दो ने। अच्छा मां जी की गल है ना जी? अज तू बड़ी परेशान है। तू दसा भाईजान बस असि लुटे गए मारे गए बर्बाद हो गया। बड़ा गर्म किया जे नाले में फैसला किया मेरे अपना मन तोड़ दो। देखो भाईजान तुम्हारी मेरे तो ना मेरी शादी का साथ
एसपी दा ओहदा मेरे तो वड्डा ते तनख्वाह ज्यादा सी जिदे खातिर मैनु वेस के मुंह मोड़ लिया। कानून का मुहाफिज होके किसी दे कार बगैर इजाजत अंदर आना किड्डा वड्डा जुर्म है। कल तक तू मेरी मंगेतर सी ते आज पराई, ऐसी तेरे भरा दी साथ ते औकात। ठीक फैसला किया मेरे भरा ने, तेरे वर्गे पत्थर दे जेलर या ते मुअत्तल हो जांदे ने या फिर सारी जिंदगी जेलर दे जेलर ही रहंदे ने। ओ घड़ी किन्नी सोहनी घड़ी होवेगी जदों पुलिस दा बैंड बाजा वजेगा। मैं बकवास बंद कर। ठंड पै गई तेरे एक जन की चमक नाल पिंडी की एक एक चीज हिल गई। दस तेरा उस जमीर फरोश परा कितने रे वो ज्यादा वास्ते उन्होंने मिली ए कार्ड के सैंपल के तौर पे मैं आप ही पाया थी ताकि तेरे प्यार की गैरत जागे कि तू मेनू मिलन आ सके।
नुकरेगा जिदे मुंह से तू चपेड़ मार के अपने लिए मौत का पुआ खोलिया उस प्यू को भी लख की वसूली की है जिसे पुत्र की गिरफ्तारी का मुल सरकार ने 5 लाख रखे कुत्ते बिल्लियों का मुल ते सुन दे आए सो पहला इंसान वेख्या जिन्हू कुत्ते की मौत मारीे तो हुकूमत को 5 लाख रुपया इनाम मिलेगा इस इनाम के लालच वर्गे कई तरसमी पलवान कई पुलिसिए अल्लाह नु प्यारे हो गए आज अपनिया गोलियां तेरी हित के गोदाम बंद करके सारे शहर का चक्कर लगावांगा ते शायद सिर का मुल 10 लाख हो जाए आज। कानून का मफरूर ते इश्तहारी अका आहो साहब यो मफरूर है जिन्हों तेरिया पुलसा भी नहीं फट सकिया पर मैं अपनी जीदारी दे वेलने तेन पाके एदे जुस्से च सारी गंदी रत निकाल लिखी है। वेलडन जवान वेलडन तू अपनी बहादुरी ते जुरत का मुजाहरा करके एक खतरनाक इश्तहारी मुजरिम नूं कैफरे किरदार तक पहुंचाया लिहाजा इनाम की रकम तो नहीं मिलेगी। हाजरीन हर साल वांगू महकमा औकाफ ने दाता दरबार दे छुट्टियां दे ठेके दी नीलामी दी तकरीब दा एहतमाम कीता है ते सरकारी पहली बोली 1 लाख रुपया होएगी। ओए चेयरमैन पिछले साल भी छुट्टियां दे ठेके दी बोली नुकरे तो वध किसे ने नहीं सी दिती ते अज भी इस बोली च नुकरे दे सामने कोई नहीं आएगा। तू लख दो लख ढाई लख लख दो लख 5 लख पांच लख एक 5 लख दो 5 लख तीन है कोई साढ़े तेरे बबर का कोट जेना नोटा की बोरी भर के लिया होर हाथ धो के। महाबदमाशा तू अपनी हयाती चपड़े दुश्मन दिया बड़िया उल्ट बाजिया लवाइया ने पर जेड़ी उल्ट बाजी तेन मैं लवाई है और तेरा जिगरा तेरी ही चीर के आप पार आ डिगेगा। जिस 5 लख रुपए की बोली दे के तेरे को इस ठेके की बोली खोइए 5 लख रुपया तेरे इश्तहारी पुत्र रखे दी दाश का मुल है। खाना मारे नहीं तो दिमाग दिया शरियाना फट जान गया मैं तो हुकूमत चलो 5 लख रुपया वसूल कर ही लिया तेरे पुत्र की लाश का पोस्टमार्टम हो गया होगा जाके अपने पुत्र की लाश वापस लेना।
गल सुन नुक्रिया, अज तो बाद दाता सरकार वाल जान वाले को चुस्ती टैक्स नहीं लिता जाएगा। इसलिए के नीलाम की बोली वत तो वत मैं देंगा 1,13,000, 1,13,000 डिप्टी का, 1,13,000 एस पी का, 3,00,000। असी ठेके की बोली हार के ऐ सोच लिया सी उस दुश्मन नु शहर ही क्यों ना छुड़वा दईए, जिस कंडे ने साडे हर रस्ते चुक के साडे पैर जा चुभना। पता लग जाएगा एक जटपित कानून तो बड़ी कोई ताकत नहीं। खुदा दे कैर करो डर थानेदारा, जरा इबरा अपनी मां दूजा काबा समझता है। वो दी मां ते पैन बाजार इच लिया के आज दे दिन अपनी मौत का दिन बना लिया है। खुद किसी दी मौत ते इबरा अज मर ही जाएगा। जदों शहर दरां दियां लांतां दी तख्ती उहदे गले विच ते कानून उहनू किले दी तरह जमीन च कट देगा। तेन मैं दिता थानेदारा, एक मां ते भैन की बेहरमती करम वाले तेरे घर च मां भैन नहीं। इबरा बदमाश मेरे नेड़े ना आए, अपनी जान बचाने लई मैनू गोली भी चलानी पई तो चला दियांगा। इपरे नू बदमाशी का सबक देना लिया तेरी ही किले गोली मारांगा। ओए जिस इमाम दे पिछे सी नमाज पढ़ने ओदी शान इच एडी वड्डी गुस्ताखी कानून की फर्जी पाके
شرافتی چار دیواری ڈاکا مرن والا ایک ڈاکو ہے ڈاکو جنہیں میری مقدس ماں سے شرما والی بہن کا سر ننگا کر کے شہر چوکی بے عزت کیتا ہے جڑی تڑے محکمے دے اس رشوت خور دے منہ تے جدو بچی اے تل تے نشے اینا انا ہو گیا تینوں شریفاں دی شرافت چپلن چل پل گیا ادھا کوئی کواتے ہوئے گا 101 گواہ صاحب بہادر 101 گواہ جنہاں نے میری ماں تے میری معصوم بہن دی بے حرمتی ہوندیاں ویکھی اے انسپیکٹر یس سر گرفتار کر رہے نو مینوں تیری سچائی تے یقین ہے پر اے قتل دا کیس ہے تیرا فیصلہ عدالت کرے گی عدالت دی کرسی تے بیٹھن والا جج جے حق تے انصاف دا پہرے دار ہویا پہنا تے انشاءاللہ سادیاں گواہیاں سنن دے بعد اوہ ابرار پتر نو ضرور بری کر دے گا میں تے ایس سوچ رہی ہیں میاں صاحب کہ مرن والا ایک پولیس افسر سی باقی دے پولیس افسر ابرے نو عدالت جان تو پہلے ہی نہ مار دے قانون دے قصور پسند جیلر نو کندہ کہہ کے اُدھے فرض دی توہین کی تھی قانون یقین نہیں آنا صاحب بہادر کہ تُسی آپ جا کے ویک سکتے ہو کسائی بھی بکرے نو زبا کر لگیا آرام نال چھڑی پھیر دا پر تواڈے جیلر اکبر علی نے میرے پتران ظلم دی انتہا کر دیتی ہے میں چاہنا صاحب بہادر کہ تُسی میرے پتران نو کسے دوسری جیل کی پیج دے میں تیری درخواست سے ہمدردانہ غور کر کے شاید تیرے پتر نو کسی دوسری جیل وچ ٹرانسفر کر دیا فی الحال تو جا سکتا میں خواب دیکھ لیا ماں
क्या हकीकत है? ओए ओए अपने भरा के कातिल दे जेल आन की इतला सानू मिल गई है। जे वेले ने आज रौन ना मारी ते नवी जेल का बुआ टप्पर तो पहले एदी लाश तो लेके जावे। मैं अपनी हयाती का पहला कतल ताड़ा भरा दूसरा कतल इंस्पेक्टर नू मार के कीता सी और लगता है कतल की एक गिनती ताड़ी हयाती तो टुरदिया टुरदिया ताड़े प्यो ते जाके मुकेगी। विक्रे पहलवान तेरे पुत्र तेरे सामने खड़ोते हुए मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर देती है। हम तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर। क्यों नहीं इस दिन मैं अपना वादा पूरा ना किया लोकी मैनू पहलवान कहना छड़ देंगे। अल्लाह फाड़ अपना इनाम लै भी बा असी तेरा इज्म नहीं तू बदमाश के नाल छसत दानी है सानू छुड़ान नहीं पता हो लवे क्या बात है। सियाने कहंदे ने घर दा पेटी लंका टाए मैं ते सिर्फ रकम खर्ची है तुहानू बाहर कढ़ाण च सारे मशवरे इंस्पैक्टर शेर जमान दे सन। वाह इंस्पैक्टर शेर जमान तू ठीक ही है अबा जिवें लोया लोया लोहे नू कढ़दा है इस तरह कानून दी अखां च कानून ही मिट्टी पा सकता है। ठीक है बुकरा पहलवान खुशियां बासी न कर जाके पुत्रां दी आजादी का जश्न मना। एक आखे इंस्पेक्टर शेर जमान आओ पुत्रो चलिए। ओए अब्बा मैनू भी पैसे दे मैं कंजरी दे कोठे ते मुजरा सुन। ओए घर ते चल पुत्रा। Thank you.
गलती की तो इंस्पेक्टर, मैनू मेरे दो पुत्र दे के मेरे दो वफादार साथी मार देते नहीं। एक शेर नु बचाने लई सौ कुत्ते भी मारने पैन से मार देने चाहिए ने नुकरा पहलवान। इन्हां दी कुर्बानी मैनू सदा दी कबर च टिकन तो बचा रहेगी। हुण मैं कानून दी फैलना च लिखांगा कि सर्वर ते तीफे दे छे साथियों चो तो पुलिस मुकाबले च मारे गए, बाकी चार तीफे ते सर्वर नु लैके फरार हो गए। पता लगा जे पुत्रो लोकी कानून नु अन्ना क्यों कहंदे ने। शुरू तो ते अन्ना नहीं होना बा, पर इंस्पेक्टर शेर जबान वर्गे लायक ते काबल अफसरा ने रल मिलके इनू अन्ना कर दिता है। तुसी जुर्म के खिलाफ शहादत का रस्ता जरा विखाया सी, ओदे ते टुरदिया टुरदिया सी जेल भी वेख लई है। सानू भी मसीत दे मेंबर ते खलो के बाज करन वाला मौलवी ना समझ उतरे पुत्र, कदी वेला आया ते असी भी जहाद दे रस्ते ते टुर के मौत नु चफा पाला। रब तुहानू खुश रखे मियां जी। तुसी की सोचण लग पए हो इबरे पुत्र? मैं सोच रहा हूं कि कल जुमेरात है ते दाता सरकार दा उरस ते पुत्र तेरा दिन रात जेल दिया इन सलाखां च किवें गुजरेगा? मैं दाता सरकार दा दीवाना ममिया साहब, ते दाता सरकार साड़ी हाजरी जरूर होवेगी। ते तू ए ओ इब्रा बदमाश जिन्हें जेल दे सारे कैदियों नू हमले के खिलाफ बगावत करने ते आमादा कीता है। ये दाता सरकार दा नाला बगावत है, फिर मैं बगावत जरूर करांगा। जेलर मुनकर ते मैं भी नहीं, मैं भी दाता साहब नू मनण वाला एक मुसलमान हाँ, पर मैनू समझ नहीं आती तू चाहना की है। मैं चाहना वा साहब जब जमेरात भी है ते सोने दाता सरकार दा उरस भी है, इसलिए असीं सारे कवाली सुनना चाहते हैं। दाता सरकार दा अकीदत मन ते मैं भी हाँ, पर जेल जैसा कोई कानून नहीं कि कैदियों लिए कवाली का इंतजाम किया जाए। तुसी जेल के मालक हो साहब जी, तुसी चाहो ते की नहीं हो सकता।
कसूल इंस्पेक्टर शेर जंग में अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मुलजम इब्रार उर्फ इब्रा की मां और बहन को सरेआम बेपर्दा किया और उन पर तशद्दुद किया, लेकिन बहरहाल मुलजम पर कानून के एक मुहाफिज का कत्ल साबित होता है, लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। ठहरिए मिलॉर्ड। मैं बहैसियत एक आईजी पुलिस बहुत जिम्मेदारी और शर्मिंदगी के साथ इस बात का इकरार करता हूं कि हमारे महकमे में अभी ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो शहरियों की जानों माल के बाद अब उनकी इज्जतों को दरबदर करने वाले लुटेरे बन गए। उन्हीं में से एक मकबूल इंस्पेक्टर शेर जंग था। आईजी साहब, आपने इंसाफ को गुमराह होने से बचा लिया। दीगर मौका के गवाह हूं और आपकी ठोस गवाही के बाद अदालत मुलजम इब्रार को बाइज्जत बरी करती है। दाता सरकार, थोड़ी खैर हो गई। बिस्मिल्लाह। सब सोने दाता सरकार दिया मेहरबानियां ने जड़ा तेनो कतल दे मुकदमे दी दलदली चो बाहर ले आया है। ओ मां, मुर्शिद सच्चा ते पक्का होवे ना ते मुरीद समंदर जी या सत्ता तेवां च भी होवे ते बाहर आ जांदा है। अच्छा, तानो किसे गिनती च याद ना रखा जिन्ने तेरे जेल जान तो बाद पर अता फटा ना ही छड़ दिता है। लखा दा नुकसान हो गया साडा। सुनई मां, ए कित्थों बोल रही है? असल च ना एक बर्फ वाला फटा में मैं छुड़ाया वीरा। मैं ऊंचा नहीं है कि खेती नाल मेरी पापी बन के इस कारी चा जाए। पर तेरे ब्याह की भी खुशखबरी मां ने मैंने सुना देती है ना सुनिए। और तेरे सोरे तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर गए ने। क्यों मां? ते नाले सब तो बड़ी खुशखबरी है बे कि बानो दे ससुराल वाले शराफत तो बात कुछ नहीं मांग रहे। अरे तेनो की पता होवे बलोरिये दिल बताड़िए, असी अपनी भैन नू इस कारी चो सोने नाल तोल के विद्या करांगे। माफ करी भरा पहलवान, मेरी मां ना मर दी ते तेरी भैन दा जेवर एक हफ्ता पहले तेरे घर छड़ आना सी। रब तुहानू सबर देवे शेख साहब, मां दे सिधे पुत्र दे सिधा पहला आसमान हुंदी है। लो चंगा फिर मैं चलना वा, घर जान बूहे ते बैठी होवे। तेरी पैर दी टोली नहीं बल्कि वाजिया की आवाज तेरा जरा उठेगा। ओए तीफिया, तेरी मेरी दुश्मनी का मैदान जरूर लगेगा। जे तरिया रगत किसे बहादुर प्यो का खून है इतने खड़ो के मेरा इंतजार करना है। मैं अपनी भैन की टोली मोटा देने तो बाद चा पूरे कर जरूर इतने आवाना। साढ़े शहर भरा जनाजा टोलन तो बाद तू अपनी भैन की टोली टोर लवे और बैर दी है कड़ी किताब विचले है। Thank you.
की कोशिश ना करे भरिया, एक भी नहीं कट्ठे तीन कतल। और कानून के तीन मफरूर ने इस बदनसीब सुनहरे का कतल किया, उन्होंने तो तू नहीं पूछा गिरफ्तार करे आगे। तेरे को अपने मकतूल इंस्पेक्टर भरा दे खून का बदला ना लेना हों तेन छड के अन्ने कुत्ते हरना मगर नच पैदा गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार से तू मैनू कर लिया थानेदार, पर अज की तारीख इस शहर होने वाले सारे कतलों का हिसाब अपने मोजे से चुक लाना। तेरे कतल का भी अपने हथियार सोचे जे तू सुटे नहीं तो थाने तार सुटन लग जाए, अपने थाने तार चुक के ऐसा ना चाहे नहीं तो तोड़िए लाशा का चबूतरा बना के कानून के नमक राम की लाश का फर्श बिछा देगा। लेके पहला तेरे पुत्र हूं तक आ जाना चाहिए सी, सानू तो घर पहुंचा तक बहुत देर हो जाएगी। बस वीरा आंदा ही होगा। मैं देर की माफी चाहना वा बुजुर्गो। निकाह की तैयारी शुरू करो, मैं अपनी भैन नू आखिरी बारी मिल लवा। आखिरी बारी क्यों पुत्र, असी आज करो नू नहीं ही लाके चले इधर। कानून के मुहाफजा का चबूतरा खड़ा नहीं कर सकिया, पर कानून एक कातल से मफरूर की गिरफ्तारी लैन लई तेरे सिर से पहुंच गया। तुसी की कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब? माफ करना बुजुर्गो, आया तो मैं चंगे वेले नहीं, पर इस खूनी की गिरफ्तारी जरूरी थी। जिन्हें भैन के जहेज लई एक बेगुनाह सुने का खून कर दिता है। झूठ ना बोल तूने तरा, झूठ ना बोल, ये भी झूठ है। तो राह की ओरी चाल बचा ले आए, ये तू ना खून कर दिता। हाँ ये भी झूठ है, राह की नहीं सुन नुकरे ते मफरूर पुत्र ते मफरूर साथी सुन। अपने इन कतलों का इकरार तो तू कर ही लिया ना, फिर सुन कानून के रिकॉर्ड उन्होंने कोई केस नहीं। हम तू भी झूठ आखेगा कि मौके तो लसन नहीं असले के तौर से मैनू मेरे हमले को चुका के मफरूर है। ससुराल बेगुनामा के खून दिया छिट्टा नाल भरिया होया पिंडा से बखा। गिरफ्तार कर रहे हैं जद पूरी बरादरी ने सलामी दे के यह कहना थी कि मैं कातल की पैन नू बना के कार लाया
गैरतमंदी से चर्चे सुन के इन्ने को पागल हो गया था कि सोचा कि कुड़ी को तिना कपड़े भी नोट बना के ले जाना पे लै जाएंगे। पर हम पता लगा कि प्रा पैन दाज चोरी का सेवर तो तिना कपड़े की सलामी दे रहा चल जवाब बचाएगी। चोरी तो बगैर वापस जाएगी अगले भी वापस जाएगी नहीं वापस पर मैं कले कले पुत्र का प्यो वा मेरे हाथ मरण वाले मकसद के बाद छक लो अपना पुत्र क्या मरवा लेगा चलाओ और मैं पुत्र नहीं मरवाना एंटी पा अपने तो किसी बड़े कातल के हाथ खड़ा दें कातलों दिया पैणा कातलों के घर ही सोनिया लगदिया ने मेरा नाम मुजरम नजर वेख रही है मां तू भी मेनू बालू दिया खुशियां का कातल समझ रही है मां तू भी दस जवाब दे मां मां किस मां का पुत्र किधरा हो गए उन्हें अपने पैर जमीन से रख के मेले नहीं करने चाहिए भावे वजूद कबर जाके हमेशा ले मेला हो जाए हमेशा ले मेला हो जाए मैं चलो नो मुलाकात करना चाहती है वो कहनी है जे तेरे नाल मैनूं मुलाकात की इजाजत ना दी गई तो वहना की आवाज इस दिल के विच अलारम खड़का देगी। ओहो की बकवास कर रहे हैं मैं ठीक कह रहा साहब जी जे तुसी उन्हूं अंदर ना बुलाया तो तुहानूं अंदर जाना पै जाएगा। अच्छा अच्छा जाओ उन्हूं अंदर भेज। अच्छा जी होश कर माई नहीं तो मैं तेनू किसी पागलखाने भेज देंगा। माई फिर माई
मैं शोर मचावांगी कि तू हट्टा कट्टा होके अपने कमरे नु कुंडी ला के एक माई दी इज्जत ते हाथ साफ करवा जाना है। और रब दा वास्ता ही मेरी इज्जत खराब ना कर, नहीं ते जेल की मैं पूरे शहर नु मुंह नहीं बखा सकांगा। ठीक है, जे तू मुंह नहीं बखा सकदा ते फिर मैं तेनु मुंह बखानी हां। नादिया तुम? हाँ, मैं मचावा शो। ओ नहीं नहीं।
पैन की लाश भी छड़ चले। वाह वीरा सच्ची कहना सै, जिस मां का पुत्र इबरा हो मां अपने पैर जमीन से रख हमेशा ही मैला हो जाए, हमेशा ही मैला हो जाए, हमेशा ही मैला हो जाए। जेल चो फरार होने की कोशिश शायद तू नहीं जानता, जिस तरह कोई मुर्दा कबर चो बाहर नहीं आ सकता उसी तरह कोई कैदी मेरी जेल की कंध नहीं टप सकता। नहीं साहब, मेरी एक मजबूरी है, मेरी कली कली भैन दे खून के रिश्ते की दूरी है जेलर, मैं नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुक सकता। शायद तेनू इतने आके मां प्यो भरा भैन बड़े याद आ रहे ने। एडी भी खुदाई चंगी नहीं होंगी चेलर, मनिया के तू बादशाह है पर मैं तेरे वर्गे कई बादशाह फकीर होंगे वेखे ने। तू भी वो फकीर बनने की कोशिश ना कर, जिन्हों पीख ना देइए तो बदवा देने लग पैंदा है। याद रख तेरे जहन की डिक्शनरी च मुजरिम के सिर्फ तीन मतलब ने। मुजरिम उन्हों कहते ने जिन्हों मां भैन से धी के रिश्ते की पछाण नहीं रही। कौन कौन याद आ रहा है? मोई हुई मां ते बेआसरा भैन। एक कतलो गारत करन तो पहला सोचना सी। कतल की तेरी चंगे साहब, कतल हो चंगे ने जद बेगैरती का सैलाब गैरतमंदा दे घर रोड़ ना जावे। या सारता रुख मुझे किसे गैरतमंद की चार दीवारी छड़ावा। ए जेले बच्चों का स्कूल नहीं कि तू अद्धी छुट्टी लैके घर टुर जाए। मैं तेरे नाल वादा करना मां साहब कि वापस जरूर आवांगा। कमान चो निकले होया तीर ते जेल चो नसन आला कैदी कदी वापस नहीं आया। उस भैन नूं मरी जाना चाहिदा है जिहदा भरा तेरे वर्गा खूनी कातिल ते बदमाश होवे। याद रख जनार कि मेरी भैन नूं कुछ हो गया ते मैं मैनू बगैर दुश्मन दे आउन दा जिहड़ा शक सी ओहदा यकीन दुश्मन ने आके दुआ दिता है। ओए कोई बेदा है मैती सामने आ जा रहे भैना, जे तू अपने वीर का वास्ता नहीं मानती तो तेनू तेरी मां दे कसम का वास्ता ही चली जा, इथों चली जा। तेरी पकीजगी की चिट्टी चादर नू जे दुश्मन की बगैरती का कोई दाग लग गया तो तेरी मां की कबर फट गई। चली जा भैना, इथों चली जा। लगता है कई बेले के सारे हमदर्द कबरे जाके सो गए ने। एक बारी फिर सुन लवो ओए मोहल्ले वाले, हो मैं इबरे के कारू कब्रिस्तान बुला लगा वा। इबरे का यार प्यो का वफादार आ गया जे कुत्तियो, जिस घर तो अपनी जान कुर्बान ना की ते फिर ये शहर के जीदार साडे वर्गे कमिया नू अपने पैरों च बाल छड़ देंगे। चंगा किता जान किता दी चार दीवारी
उल्दे दा ढेर बनेगी, किसे जानदार दी चीख दी आवाज से आएगी ना। चौधरी का चन दिन चान ते मेरे घर वीरा वीरा हाँ मैं बचा लिया वीरा मैं फिर वीरा वो एनिया भैन ते मैं बैंक लुट के भी नहीं बह सकता कुंडी ते तू अपने हाथी ला दी है हूं मेरे सीने ना लग जा तू ठा करके हाँ। मैं ते इस कारी तकदीर दी बाप फड़ के अपनी इज्जत बचाने पना लेती थी पर लगता है इस जग भैणा दे प्राण घट ते बेगैरत ज्यादा भी आ कर दे मेरी इज्जत तार तार लुट लै मैनू जिन्ना भैणा दे भरा बदमाश होना इंजी होना चाहिए अपनी फोन से पावे पराइया अज तो तू मेरी भैन भैन की खबर सुना दी थी बलोरिए मेरी मां ते सुख नाल कब्र सौ गई सी पर मेरी भैन कब्र भी नसीब नहीं होने दी जेल दिया कंधा आसमान तो उच्चिया हो गई जेल दब जा रही है जवाब ओदे सिर नूं तड़ तो वक्त करन वाला एक खूनी बस कर वे ये मेरा वीर इतने हुंदा ते हुन तक तेरी टोन तेरे पैरां विच हुंदी भरा जुल्म दा खंजर ते भैन हुसरन दी छुरी जिदा होण दा स्वाद आ जाएगा इंज लगता है मेरे इंतकाम नू हर शह किस तरह जी जानी पेगी बंदा दे करा दिया कंधा टपनिया आसान उन्हों की इज्जत नू ना लैके उन्हों की दलेरी चपड़े मुश्किल होंगे मुंडिया जड़े कंधा टपड़िया जानते हैं आने वाली दलील टपड़ा कोई मुश्किल गल नहीं आई विश्वास
ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਿਰ ਅੰਡਾ ਵੇਖ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੇਗਾ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੇਗਾ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੇਗਾ ਹੈਲੋ ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਪਲਾ ਜੇਲੋ ਹੱਸ ਕੇ अकबर अली खून दिए होली किने खड़ी है शर्म ते हया दिए तस्वीर का कातल कौन है कौन है इतना बदमाश मफरूर हो गया
तू कित चला गया से पुत्र? आतिल दी तलाश गया सा मां। पर अजे तिकर ओदा कोई पता नहीं चलिया। पर एक कौन है मां जी? बस समझ लो साहब जी, तेरी भैन कफनी च मुंह लुका के टुर गई सी, फिर वापस आ गई है। साहब जी, जो तुसी एक भरा दी अख नाल वेखो ते साडी भैन दे चेहरे चो तुहानू भैन नाजी दा चेहरा जरूर नजर आएगा। तू भावे समझे ना समझे, पर मैं तेन समझागी। मैनू मेरी गुआची हुई थी, तेनू तेरी मोई हुई भैन वापस मिल गई है। हां वीरा, मां ठीक कहती है। तू भावे मैनू अपनी भैन समझ ना समझ, पर मैं तेनू अपना वीर जरूर कहूंगी। वीरा, ऐ ते दस, तेरी भैन का कातिल कौन है? दरिंदे का ना है इब्रा बदमाश। इब्रा बदमाश? मैं तेरा गुनाहगार हां, मैनू माफ कर दे यार, मैनू माफ कर दे। गुनाहगार ते मैनू तू कर रहा वडेरिया, चाचे तू एक गल चंगी तरह जानना है के ना ही मेरे सिर ते पुत्र कहण वाली मां रहीए ता वीर कहण वाली भैन, ना ही मैं अपनी मां के जनाजे कंधा दे सकिया ते ना ही अपनी भैन की लाश का चेहरा वेख सकिया। मैं चलो नस के तेरे को सिर्फ इसलिए आया वहां कि तू उस बदमाशी बड़ी की है, तेन ही दसना पेगा कि मेरे जुर्म की इस काली रात की सवेर कदों होगी। मैं कानून की गोली कोलो किवें बच सकना वा? कानून की गोली कोलो बचन का रस्ता तेनु मैं दसना। इसलिए हूं पिस्तौल मेरे हाथ च है। ओए मेरे शी वर्गे पुत्र दिया कातला, ते मेरी बदमाशी का जनाजा चुकाने वालिया, अज मैं इस पिस्तौल दिया सारिया गोलियां तेरे सीने च मार के तेनू इस दुनिया तो आजाद कर देंगा, आजाद कर देंगा। ओ
वाली पस्ता लाते पढ़ के इब्राहिम मारना चाहता से ऐसा देखा है गोलियां मैं पहले ही कट रही सन बेटा अपना पिस्तौल वापस ले ले मैं तेन मारने ही तो नहीं सी चुकया ऐला फड़ चिट्टा चाटा आटा खराब आया था भरिया हो पिस्तौल सुट दी है वेख इब्रिया सौरव दी तू तो मेरा भी प्यू निकले जे मैनू प्यो मान लिया पेरे हो चे आराम जी वाला तू
चंगा होया दुश्मना। तू आप चल के मौत दे पुकल चा गया है। तू अंदर चली जाती है, मैं लगता है इसका दीजर का दुश्मन फिर आ गया है। अंदर चली जा। हाँ मैंने बात यार। हेलो पुलिस स्टेशन। कोती चुके कराया ही नहीं ते ना ही कदी लोही दे के सोया है। दुश्मना पर तेरी मां खलोत्या वेख के इस गल का यकीन हो गया कि जिन्हों दिया मावां जिंदियां होण अपने पुत्रां नूं मौत दे फरिश्ते कोलों भी खोलंदियां ने। रब के हुक्म ते सोने नबी के फरमान की तामील की है। कर है दुश्मन से वार नहीं करीदा पुत्र। ठीक है मां, मैं सोने नबी के हुक्म की तामील ते कर लिए, पर ये दुश्मन इस कार की दलीस तो बार मेरे को नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। हयाती का केड़ा दुश्मन आया सी? मेरी भैन दाखिल इबरा। तू ओनू गोली क्यों नहीं मारी? मेरा दिल तुंदे अथरू रो रहा है। मैं उसे मरे दा मुख क्यों नहीं देखिया? किथे गया कातल? सवाल मेरी मां को पूछ जेड़ी शायद अपनी जवान थी ते मेरी भैन की मौत का सदमा भुल गई है। तू की कह रहे है पुत्र? मैं अपने दिल से लगे एक छोटे जे जख्म दी नबी पाक का हुक्म टाल दें जिदी आल औलाद ने करबला के मैदान च अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता सी। ठीक किया रे मां जी। बहरहाल वो कानून की सरहद नू टप के बाय कबर दे किथे जा सकते हैं? ए कौन है मां जी? पुत्र असी तेरे नाल इस घर की धी तोरन की सुबान की सी। वो धी भावें इस दुनिया च नहीं गई पर रब ने इज्जत तारन की सुबान का मान रख लिया रख लिया। मैं समझा नहीं मां जी। असी इस घरों एक भैन की डोली नूं विदया करना सी ना, पैंड वो हुई है। ना ही तू एदा हसब नसब पुछी ते ना ही शजरा नसब, इसलिए कि तेरे सामने एदी मां ते भरा खलोते हुए ने। मैं साडे दिल ते लगे हुए जख्मां ते अपने इंकार दा दुख नहीं लाना चाहता। ते फिर तू कली जंज लैके आ जा, इसलिए कि मैं अपने मोड़ियां ते इंतकाम दे सिवा कोई होर पार नहीं रखना चाहता।
मनहूस खबर सुना के तू साडे कलेजे आतिशबाजी छड़ दित्ती है। ओए साडे दुश्मन दी बैस कानून दा एक दित्ती दिया के अपने लोहे दी चार दीवारी च लै गया है। कौन है तुसी? तेरे भरा दे जुल्म दा हिसाब जिहड़ा जवाब असी तेन सरेआम नचा के देंगे। चुट लाए अपनी भैन साली चेते चुटका क्यों हो गया है? वे मेरा सत्ता से चुट गया पर अज से आ सकता थानू है तो मरण तो बाद जुर्मा का स्टॉप लेगा। Oh!
बहुत बहुत मुबारक हो। वो खैर से है जी, पहले मेरा इनाम दो। किस गल का? इस गल का कि रब ने तुहानू चंद तो थोड़ी सी दा प्यो बना दिता है। नादिया वाह बेगम वाह, वाकई धी तो वड्डी है, दुनिया च कोई रहमत नहीं। तैनू इस जेल चो फरार होने की कोशिश कर दिया, दो साल हो गए ने, पर देख ले तेरी एक गैर हाजिरी की वजह नाल तू जेल दे जिस पिंजरे चो नस के मेरा ही घर तबाह किया सी, और तू सारी जिंदगी उस पिंजरे छिसक छिसक के मर जाएगा। यस सर। एदी तारीख केड़ी है सर? कल। इंस्पेक्टर, जेलर साहब का हुक्म है खतरनाक मुजरम नू बड़ी हिफाजत नाल अदालत तक ले जाना। चार चफेरे दे खिबरे इन कब्रस्तान कहते ने, इतने बादशाह भी सुते हुए ने, फकीर भी। पुलिस ने इतने कई प्यासे कई नैन सुखिए ते कई चके कब्र भी पुकर च लुका दते ने। सारे बदमाश तेरे बारस लगते सन जिन्हें पाचा प्राण लिख तो मैं इतने लैके आया। वे मुर्ते कब्र च बाहर आ सकते, फिर बाहर निकल के तेरी कब्र से फाते जरूर पड़ते। अगे लग ना साए, साए। कल का अखबार पुलिस मुकाबले तेरी मौत की सुर्खी आप ना देगा। अपनी ते अपने पुलिसिया की गोलियां की जंज मेरी ही की चो पार करे। तारीख इस गल की गुआह है कि बहादुर ने हमेशा सीने से गोली खा दिए, तेरी तरह नस के कंट के नहीं। तेरे कलमा पढ़ लवे भरा दे खून का बदला लैन लई। मेरे निक्के जे रुमाल ने हिल दिया ही तेरा भाई कसम बन जाए।
इब्रार पुत्र देख ले, असी साबित कर दिता कि असी मसीद दे मेंबर ते खलो के पास कन वाले मौलवी नहीं। मफरूर होके जेल दिया उच्चिया उच्चिया कंधा टप जाता है, पर मैनू अपने सामने वेख के हैरान होके आप ही मर जा। ऐसे के तेरा एक कैदी मफरूर हो तो बाद भी आप ही कैदी हो आ गया। कदम मेरा माल नमा लाम मैंने पाए इनू बंद कर दो कोठी। अकबर अली एनु पुजना कवि ए जालम मेरी मासूम ती चुके लै गए। के गल है डिप्टी, अकलेजा दौड़ के पिने वागू खिल चुके तेरा नबर की रफ्तार तेज क्यों हो गई है? अज तेज क्यों डुबने लग पाया? रब का वास्ता ही बबली का पता दस है, नहीं तो एक मां तीन की जुटाई च पागल हो जाएगी, पागल हो जाएगी। ओ तू तो मैं आप ही पागल लग रहा है, मां पागल क्यों होगी? जब मेरी भैन मेरे सामने आई थी तू कंध बढ़ के
तरह खोल दिता सी। और पिस्तौल ते मारे दिया गोलियां मेरी एक इच हो सकता है मेरा दिल उबल के बाहर दिखे ते तनवे तसे के तेरी ती कितने वे। तेरा दिमाग वेखो कहना है ना जेलर के मुजरमा हों जिन तिया पहले रिश्ते की कोई शनाख्त नहीं होती। आप तू की कीता सी मैनू इनी मोहलत भी नहीं सी दीती कि मैं अपनी पैर नू किसे शराफत की चार दीवारी पीछे छड्डांदा। लै फड़ा पिस्तौल ते मार मेरे सीने च दे गोलियां। हो सकता है मेरा दिल सीने चो बाहर आके डिगे ते तैनू यकीन आ जाए के जड़े भरा आप पैर की जुदाई तरसते हो किसे दी पैर नू नहीं मार सकते जेलर नहीं मार सकते। कानून दे बड़े मुहाफिज एक पूरी जेल का मालिक एक पूरे इलाके का डिप्टी पर सिरे दिल ये दर्द तो ही छोटा। तुम कहने से मैनु गोली मारनी नहीं चलो मैं अपनी खोपड़ी साफ गोली मारना ताकि चेले अपनी भैन के कातल नू डिगदिया वेख के खुश हो जावे। डिप्टी डिप्टी मेरी लाश से पैरी पै के इन्हें पूछ सके कि मेरी धी कितने वे। नहीं भरा नहीं कानून कभी अपने रास्ते तो फटक भी जाए जब कोई ना कोई नेकी का काम जरूर कर जाता है जे सुन सकने ते अपने कलेजे ते हाथ रख के सुन भरिया। ओ बच्ची तेरी सच्ची पैंट फाड़ दी है फाड़ दी तेरी पैंट बांधो मेरी बीवी है। तू कानून चलो इंतकाम नहीं लेता अपनी पैंट की ममता उजाड़ दीती है ममता उजाड़ दीती है। साहब मैं अपनी पैर की ममता उस दर्जख की अग चुट के आया वहां जिथे वे पैरों जिस सेक लग्या ते मेरी आप कलमतक दर्जख की अग चर के सो जाएगी। नहीं प्रिया कानून कल भी मजबूर सी आज भी मजबूर है। जेलर जेलर एनू जान दे एनू जान दे। तो कानून तो बाप क्यों बन गया डिप्टी मैं इनू नहीं जान देंगा। मैं ते नहीं डोलिया मैं भी जो कुछ लेना उस बच्ची का हजार नहीं तो कोई मान दिया ये कानून मजबूर है ते बड़ी मजबूर है। तुतिया चुरुम पछतावे की सगमच और कोई ना दिन वडेरिए कोई ना लगेगी मैं इंतकाम के नशे से ना होके कानून के मुहाफज के सिरे चढ़ी चुरी मारी उन्हें मेरा अपना कलेजा चीर दिता मेरा कलेजा। मेरी बबली मेरे हवाले कर दे वडेरिए मेरे हवाले कर दे। ओ मेरी पैर दीती है मेरा अपना पूरे पूरे इब्रिया मेरी जात पंजरी मेरी पैरों थले जन्नत नहीं दोजख दी अग बलती है जा ले जा अपना खून खबरे यही नहीं कि मेरी जिंदगी दे सारे गुनाह धो देवे
जा, जा ले जा इस मासूम नू, जा ले जा। वाह इब्रिया, शरीफां दे उसूलां दा ते तैनू पता होएगा। तिया जिस घर विदया हो जान उतों उन्हों का जनाजा निकल जाए, पर साढ़े पंजर के उसूलों का तैनू नहीं पता। असी तियां इको वेरी कफन पा के विदया करने हैं, ते जदों तक तेरी पनेवी नू कफन नहीं पै जाता तू इन्हों इतों नहीं जा सकता। होश कर, तेरी अख चाई अग का सेक जे साढ़े तक पहुंचा ते याद रख, मैं इस कोठे नू तेरी कबर बना देंगा। उस कबर उत्ते ओनी देर तक मुजरे आते रहेंगे जब तक तेरी पनेवी जवान नहीं हो जाती। Thank you.
ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਏ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਤਕਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਚਾਉਣ ਇਸ ਤੋਤੇ ਦੀ ਪਿੱਛੀ ਬਰੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਰੂਹ आसमान वाल परवास कर जाएगी नहीं आप प्यारी हो गई बकरी जी हूं बैर का आखिरी मैदान जीतन नहीं तेन भी इस जगतों बारे कर देने डबलू फेरू Thank you.
बबली 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 माफ कर दी भैणा, मैं बेगुनाह हूं, मैं बेकसूर हूं। इन्हें फल अपने जिगर का टुकड़ा जरा मैं जाने तेरे को खोलिया सी। दम 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 दम